थेनोस ने भले ही दुनिया के बारे में सोचा, लेकिन थेनोस एक नंबर का बेवकूफ इंसान था। वजह जानोगे तो आप भी यही बोलोगे। और एबोनी मोव यानी कि थेनोस की नाजायज सौतेली निहायत ही लिचड़ औलाद हल्क और आयरन मैन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वीडियो क्लाइज में ऐसी डिटेल्स आप देखोगे कि आप भी बोलोगे यार सच में मार्वल स्टूडियो खतरनाक चीज है। तो हे गाइस, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्टूडियो में विजिट करने के लिए। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है। तो मैं हूं प्रभु और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थेनोस एक नंबर का गधा था, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि थेनोस ने तो दुनिया को बचाने के बारे में सोचा था। और तो और, उस अकेले ने अपने तीनों सुपर डुपर हीरोज को कड़ी टक्कर भी दी। लेकिन गाइस चलो बताता हूं। देखो गाइस, आप सबको पता होगा कि थेनोस सारी मणियों को इकट्ठा कर रहा था, जिनमें से एक का नाम था आत्मा मणि या यूं कहे सोल स्टोन। तो जब थेनोस वहां जाता है तो वहां पर खड़े चाचा कहते हैं कि आत्मा मणि चाहिए तो अपने दिल के करीब जो है उसे खोना पड़ेगा और फिर आत्मा के बदले आत्मा मिलेगी। तो इसी वजह से थेनोस गमोरा को मार देता है और अपना तीरबाज अपनी नताशा को। तो थेनोस गमोरा को बचा सकता था। देखो गाइस, थेनोस की इतनी बड़ी सेना थी तो वो गिनी दो प्यार के पंछियों से कहता कि भाई लोग सोल स्टोन देना तो उनमें से कोई भी मारता किसी दूसरे को और थेनोस को आत्मा मणि मिल जाती तो फिर गमोरा बच जाती। इसका आशिक पागल ना होता और अपना आयरन मैन बच जाता। यार ये हर चीज में आयरन मैन कैसे आ जाता है? दूसरी बात कि एबोनी मैव पूरे एवेंजर्स से ज्यादा इंटेलिजेंट था। हाँ, आयरन मैन से भी, क्योंकि एवेंजर्स के पास गिनती के कुछ ही बीम पार्टिकल्स बचे थे जिसमें से दो चार हीरो ही टाइम ट्रेवल कर पाए थे। लेकिन एबोनी मैव ने नेबुला से बीम पार्टिकल लेकर उसकी साइंस पर रिसर्च किया और इतने सारे बीम पार्टिकल बनाए कि थेनोस की पूरी सेना ही लड़ने आ गई। तो बताओ कौन है ज्यादा इंटेलिजेंट? अब ये मत लिख देना आयरन मैन। अरे यार ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, समझ गया। और अब मैं आपको दो ऐसी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ जो कि पक्का आपने नोटिस नहीं की होगी। नंबर वन, आपको पता होगा कि स्पाइडरमैन मूवी में एक सीन में पीटर अपनी बोतल लेने के लिए जाता है तो वो इस लोहे को ऊपर उठाता है, जहाँ पर हम पीछे देख सकते हैं कि दीवार पर कितने गहरे निशान पड़ गए, जिससे साफ पता चलता है कि पीटर ने इसे बहुत बार खोला है। नंबर टू, यहाँ पर इस सीन में जब लोकी, थोर और हल्क खड़े होते हैं तब लोकी अपना रूप बदलता है, तब हल्क कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों में से कौन बोल रहा है। और उसके बाद जब लोकी अपने असली रूप में आता है तब हल्क अजीब सा गुस्सा करने लगता है क्योंकि हल्क को लोकी बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बोलोगे ना कि मार्वल इज बेस्ट। तो गाइस यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।